वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, हमारा वीडियो स्क्राइब का वाइट बोर्ड एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो आज हमने देखना है कि हमने डूडल्स को कलर किस तरह करना है। प्रोग्राम हमने यूज़ करना है एडोब इलस्ट्रेटर। वर्जन आपके पास कोई भी हो, वर्जन का इशू नहीं है, क्योंकि जो हमने टूल्स यूज़ करने हैं वो बहुत सिंपल से हैं। वो जो इसका सबसे पहला वर्जन था उसके अंदर भी आए हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने पेज ले लेना, लेटर ही ले लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट इसका है। ये लेटर पेज हमारे पास आ गया है। अब हमने इसके अंदर अपना डूडल लेके आना है। आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें कंट्रोल ओ, या आप यूज़ कर लें इधर से फाइल पे आके और इधर से ओपन, ठीक है। और ये कुछ डूडल्स मैंने इधर पहले ओपन किए थे, ये आपके सामने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम ये वाला डूडल लेना चाह रहे हैं। ये PNG फोटोज़ हैं, ये सिर्फ देखने के लिए हैं। ये जो इनके साथ है ये असल फाइल है, ये इनका प्रीव्यू है। PNG का मकसद ये है। और ये डूडल्स अगर आपको नहीं पता किधर से मिलने हैं, तो जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो थी वो मैं लिंक भी अटैच कर देता हूँ, उसके अंदर मैंने ये सारे डूडल्स दिए हुए हैं। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 1 GB का डाटा अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किया है। मेरे पास तकरीबन 6.5 GB से ज़्यादा 6.5 GB से ज़्यादा मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है डूडल्स का। अभी मैं उनके फोल्डर्स बना रहा हूँ, वो सारे का सारा मैंने ऊपर अभी अपलोड करना है अपने ड्राइव के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे जैसे मैं डूडल्स अपलोड करता जाऊँगा इंशाल्लाह वो आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरह आपकी कोई भी अपडेट नहीं मिस होगी। अब हमने ये डूडल को इसको कलर करना है, तो हम इसकी ये वाली SVG फाइल लेंगे। मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ब्राउज़र, वो मैंने नहीं छेड़ा, मेरे कंप्यूटर पे डिफ़ॉल्ट है तो ये शो हो रहा है डिफ़ॉल्ट। आपके अगर कोई और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तो वो यहाँ पे ये शो करेगा। अब हमने इसकी ये वाली SVG फाइल उठानी है, इस वाले डूडल की। ये प्रीव्यू है, ये इसकी फाइल है, ये हमने ओपन कर ली और ये इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। अब ये स्क्रीन से थोड़ा सा वायर हो गया, हमने प्रेस करना है कंट्रोल ओ, ये इसको स्क्रीन के अंदर फिट कर देगा। अब इसकी टाई और पैंट्स के अंदर थोड़ा सा कलर है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अपना कलर करना है, तो वो तो अभी हम वही करने लगे हैं कलर। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है ये लेयर, ये वाली, ये जहाँ पे मेरा माउस है लेयर, इसको हमने करना है लॉक। ये जहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ये लॉक कर देनी। अगर हम अपनी इसी लेयर के ऊपर काम करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा ख़राब और वीडियो स्क्राइब इसे ड्रॉ नहीं करेगा। तो हमने लेयर को कर देना लॉक। मैंने आपको बड़े आसान से और प्यारे प्यारे अल्फाज के अंदर आसानी से समझाना है, जिससे आपको क्लियर चीज़ का पता लगे। 3 चीज़ें हमने यूज़ करनी है, एक पेन टूल, एक लेयर और तीसरा मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो हम यूज़ करते हैं जब हम एक डूडल से दूसरे डूडल के अंदर डाटा ले आते हैं, वो भी बताता हूँ। और चौथा हमारे पास हम यूज़ करेंगे कलर। अभी ये देखें, लेयर हमने लॉक कर दी। और ये देखें, अभी हमने बनानी है न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, ये आ गई। ये जो लेयर 3 है ना, लेयर 2 के नीचे रखनी है हमने हमेशा। अभी ये लेयर 3 लेयर 2 के नीचे क्यों रखनी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं बताऊँगा, अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये सेलेक्ट किया पेन टूल, ये साथ कर्वेचर टूल है, इसे नहीं छेड़ना, हमने लेना ये वाला पेन टूल। पेन टूल को हमने यूज़ करना है कलरिंग करने के लिए, सबसे आसान हल है। नहीं तो कुछ और भी तरीके हैं, वो थोड़े से हैं मुश्किल, लेकिन उनसे कलर जल्दी हो जाता है। जब हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट होगा ना, तो फिर मैं आपको और भी तरीके बता दूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल खुद भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा लें, ताकि उनका भी जो है थोड़ा बहुत काम बन जाए, वो भी कुछ ना कुछ सीख लें। मैं तो सिखा रहा हूँ, अब मैंने सीखे हैं, आप लोगों को सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह, बड़े आसान अल्फाज के अंदर सिखा रहा हूँ। अगर कोई इशू होता है तो नीचे मेरी फेसबुक आईडी का लिंक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिस्पॉन्स दूंगा। अभी ये मैंने लेयर का बताया, लेयर 3 नीचे रखनी है, वो भी बताता हूँ किस तरह करनी है। अभी मैंने लेयर 3 ऊपर रखी हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है। अभी ये देखें, ये हमने पहला पॉइंट लगाया, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, कंट्रोल और प्लस का बटन हम दबाएँगे ना, ये देखें जूम होता जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ साथ साथ, ये देखें, ये हमने आउटलाइन के ऊपर, ब्लैक वाली आउटलाइन के ऊपर ऊपर ही हमने ये वाली आउटलाइन बनानी है अपनी। ये देखें, ये जा रहा है, ये देखें, ये वाइट कलर आ रहा है, कलर आ रहा ना ये वाइट। हम इस कलर को यहाँ से एक दफ़ा करते हैं, ये वाइट है, फील एंड स्ट्रोक, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये फ्रंट पे आ जाएगा और ये कलर पैनल ओपन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हम टैब चाहते हैं जी हमारा ज़रा रेड कलर का हो, ये वाला। हम यहाँ से अभी कलर मैं आपको दिखाता हूँ, हम कोई लाइट सा लेते हैं, चले रेड ही ले लेते हैं। ओके ये देखें, ये अब इसे कवर कर रहा है। अब हमने तो इसको करना है, हम तो चाहते हैं कि जो नीचे वाली आउटलाइन है वो नज़र आए, लेकिन नज़र नहीं आ रही। वो उसकी वजह ये है कि ये जो लेयर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये आ गई ऊपर, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जी जो हमारी लेयर है वो जो वो ये नीचे रहे और जो हमारे डूडल की आउटलाइन वो हमें शो हो। इसीलिए लेयर 3 के ऊपर लाना है सिंपल माउस का कर्सर, इसको हमने लेफ़्ट क्लिक से प्रेस करना है और ये नीचे आ गई। ये देखें ये इसी तरह नीचे आ गई, ये देखें सारी की सारी आउटलाइन शो होगी। ये जो है हम पॉइंट्स बना रहे हैं, ये देखें ये हाथ के पास हम आ रहे हैं ना, ये देखें हाथ को हमने इस तरह करना ताकि हाथ के अंदर ना जाए। ये देखें अभी मैं बताता, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा ना, ये देखें अभी कलर हैंड से बाहर आ रहा है, ये वाला कलर अभी हैंड से बाहर आ रहा है। इस चीज़ की हमने टेंशन नहीं लेनी है हैंड से बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी आउटलाइन नहीं है, कलर को हमने एरिया डिफाइन ही नहीं किया कि तुमने कहाँ कहाँ पे जाना है। ये देखें जैसे जैसे हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं कलर को, वो कलर उस हिसाब से अपनी अपनी जगह के अंदर आता जा रहा है। ये देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट के ऊपर जब हम ये देखें लेके आएंगे तो ये वाइट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें डूडल हमारा ये कलर हो गया, ये वाली इसकी ये जो इसके हाथ में अवार्ड कह लें या कोई टैब वगैरह कह लें। अब हम इसके फेस के ऊपर आते हैं, मैं आपको बताना बताता हूँ कि फेस को हमने कैसे कलर करना है। ये टूल है, पहले हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर बाद में सेलेक्ट कर लें कोई इशू नहीं है। कोई हम स्किन सा कलर चूज़ करते हैं यहाँ से, ये वाला स्किन ट्यून टाइप कलर है। फिर हमने पेन टूल हमारा पहले सेलेक्ट है, वो फिर वहाँ पर ले गया। ये देखें अभी यहाँ पर हमने शुरू करना दोबारा, ये देखें इसी तरह हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाने हैं इसी के ऊपर। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रोक है ना स्ट्रोक, इसको यहाँ से करना है ज़ीरो, ज़ीरो करके एंटर प्रेस कर देना है, हमें स्ट्रोक्स चाहिए ही नहीं, नहीं तो ये वहाँ पे एक अपनी आउटलाइन बना लेगा, फिर हमारी ड्राइंग ख़राब करेगा। स्ट्रोक्स को यहाँ से ज़ीरो कर देना, इसने खुद ही इसको स्ट्रोक्स को ख़त्म कर देना है। ये बेशक शुरू में आप कर लें या एंड में कर लें, ये करना लाजमी हमने यहाँ पे से। ये देखें अब कान रह गए, चले कान को हम अगली दफ़ा कर लेते हैं, इस ये वाला कान हम अंदर ही ले जाते हैं साथ ही, कान को भी तो हमने साथ ही कलर करना है। ये मैं आपके लिए स्लो स्लो कर रहा हूँ, नहीं तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक डूडल बड़े इजीली कलर हो जाता है। इलस्ट्रेटर का जब हम कोर्स करेंगे ना फिर मैं आपको मज़ीद तरीके बताऊँगा जिनसे हम स्पीड से कलर कर सकते हैं, ये मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। ये जी हमने इसे कलर कर दिया है, अब इसके बालों को ब्लैक कलर देना, इसी तरह हमने पेन टूल को यूज़ करना है। टाई तो इस वाले डूडल की हमारे की पहले ही कलर है, तो टाई को हम नहीं कलर करेंगे, तो अभी मैं इसकी जो टी शर्ट है ना हम उसको कलर करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हम किस तरह कलर करेंगे। अभी ये देखें पेन टूल हमारा सेलेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देना है जी रेड कलर, ये वाला रेड कलर देते हैं, यहाँ से जो आपका कलर दिल करे आप सेलेक्ट कर लें। ओके किया हमने और ये देखें कलर आना शुरू हो गया हमारा। इसी तरह आपने चलते जाना है, आप 3-4 डूडल्स पे करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अभी ये बाहर जा रहा है कलर, कोई मसला नहीं, अभी हमने उसे आउटलाइन दी कि तुमने कलर ने रहना कहाँ कहाँ पे, ये देखें जैसे ही हमने उसे आउटलाइन दे दिया कलर अंदर आना शुरू हो गया, बाहर से वो अंदर आ जाएगा। इसीलिए कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, बड़े ईजी होके आपने कलर करना है। 3 चीज़ें हैं, पेन टूल है, कलर है, लेयर है और जो स्ट्रोक है वो उसका हमने कर देना 0। मेन चीज़ें 3 है, कलर, लेयर और पेन टूल, बस। स्ट्रोक को अगर हम 0 नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी लेयर थोड़ी सी ख़राब करेगा। ये अब देखें टाई कलर है, इसकी ऑटोमेटिक ही टाई कलर है, पहले ही टाई कलर है, और जो लेयर है वो ऊपर है, जिसके ऊपर हम कलर कर रहे हैं वो लेयर नीचे, इसीलिए टाई का कलर इफेक्ट ही नहीं हुआ। अगर ये टाई का कलर यहाँ पर ना हुआ होता तो टाई भी इसके साथ रेड होनी थी। अब ये देखें ये चीज़ रेड हो रही है, इसको भी हम आके सेट करते हैं। हैंड को आपने सेम फेस वाले तरीके से ही कर लेना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखें कलर बाहर चला गया, कोई इशू नहीं, अभी ये देखें अंदर आना शुरू हो गया। एक चीज़ है, जहाँ से एंकर पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ है ना, एंकर पॉइंट से मुराद के जहाँ से हमने पेन टूल का यूज़ शुरू किया वहाँ पर ही हमने जाके पेन टूल को ख़त्म करना है, ये इसका रूल है। ये देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया था,
थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल के कंट्रोल दी दबाएंगे ना तो वो बैक चला जाएगा। ये देखें, ये हो गया हमारा शर्ट कलर, होगी पैंट इसकी जो है पहले ही कलर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो हैंड्स हैं वो इसी तरह आपने कलर कर लेने। ये एक ईयर रह गया, बुरा लग रहा है कान इसका, तो चलें हम इसको अब कलर कर। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है और एंड किया है वो दोनों पॉइंट मेरे सेम नहीं है, इसलिए ये आ रहा है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें अभी मैं करूँगा ना यहाँ से, ये पॉइंट था हमारा, ये देखें ये अब हो गया। अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं इसका कलर जो कान है उसका भी कलर कर दूँ। पेन टूल हो गया सिलेक्ट हमारा, ये देखें आउटलाइन आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोक्स हमने ज़ीरो किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इधर हमारे पास कलर पिकर पड़ा हुआ है, यही है मेरा ख्याल। ये देखें ये कलर आ गया, इसने वहाँ से कलर पिक कर लिया और ये आ गया। ये टूल आप ना भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ये मैंने वैसे आपको शॉर्टकट बताया। अब तरीका अगला जो हमारे पास, अब हम चाह रहे हैं जी, हमने कलर कर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि जो शर्ट का कलर वो मैं चेंज कर लूँ, वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल, ये हमारे पास जो है सिलेक्शन टूल पहले सिलेक्ट है, शर्ट के ऊपर क्लिक लगाया उसने सारी की सारी शर्ट सिलेक्ट कर दी। मैं चाह रहा हूँ इसका कलर हो जाए ब्लू और ओके कर दिया। ये लें शर्ट का कलर ब्लू हो गया। ये आउटलाइन हमने की है, आपने जब करना है ना तो आउटलाइन थोड़ी सी सफाई से करनी, मैंने थोड़ी सी रफ़ की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हमारी चली जाए। ये देखें ये जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाए सारे शो करवा रहे टैब। अब जी हम चाह रहे हैं, ये हमारी कलरिंग वाला तो कम्प्लीट हो गया ना काम, ये लेयर थ्री के ऊपर हमने काम किया। ये देखें ये लेयर थ्री हमारी, ये हमने टोटल किया कलर ये वाला। तो स्ट्रोक्स को जहाज से ज़ीरो कर देना है, टाई पहले ही कलर है और ये भी पहले ही कलर है और ये फर्स्ट लेयर के अंदर कलर हुई हुई है दोनों, इसलिए इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा और हम नीचे कलर भी कर देंगे। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक डूडल है उसके अंदर एक एलिमेंट है जो हमें चाहिए इस डूडल के अंदर, वो हम कैसे ले कर आएंगे। बड़ा ही आसान हाल है, वो मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे नज़र आ, यही ले लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला बिल पोर्ट कैश वन ये उठा लेते हैं हम, क्योंकि इसकी भी हमने SVG फाइल ही उठानी है, इसके भी PNG नहीं SVG फाइल ही उठानी है। ओपन, ये आ गया, ये इधर पड़ा हुआ है हमारा ये वाला डूडल और इधर पड़ा हुआ है ये। हम चाह रहे हैं जी अब इसको उठाएँ और इसको इसके अंदर ले, इसको करना है हमने पूरे को इस तरह ड्रैग कर लेना है और ये सिलेक्ट हो गया। ये जितने भी एलिमेंट ब्लू ब्लू शो हो रहे हैं सारे के सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, क्योंकि SVG का मतलब ही है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो अभी हमने इन्हें करना है ग्रुप, नहीं तो इस तरह करेंगे तो ये सब अलग अलग हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ग्रुप के अंदर करेंगे सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, नहीं तो ये सारे का सारा बिखर जाएगा, हमारी ड्राॅइंग ख़राब हो जाएगी। ये देखें ये ग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये किया ग्रुप और ये सिंगल ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी लिखा आ गया। अब सिंपल और सिंपल सी मतलब कि इसके ऊपर हमने ले के आना है अपना कर्सर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, अपना राइट क्लिक किया, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। ये दरमियान से सिलेक्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, इधर साइड से सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपने इसे पिक करना है और इसको उठाया, ये देखें इधर ले आए, प्लस का निशान आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। ये देखें ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसको इधर हम ले आए हैं। ये देखें सिंपल हमारा इस तरीके से इधर आ गया, ये देखें इसको अब जिधर मर्ज़ी ले जाएं हम, कोई इशू नहीं है। इसको भी आप कलर कर लें, कोई मसला नहीं होगा, बड़ा ही आसान सा हाल है। ये दरमियान में असल में खाली जगह है, इसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना मैंने पहली दफ़े इसके अंदर इंपोर्ट की है। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें इंपोर्ट करता रहा हूँ, कुछ मैंने अपनी बना लेता था कुछ इस तरह। ये देखें जब इधर से सिलेक्ट करेंगे पकड़ के तो इस वेक्टर से हो जाएगा, इधर से करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। ये देखें यहाँ से भी हो रहा है, जहाँ पर खाली जगह स्पेस है वहाँ से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, फिर वो ड्रैग कर रहे हैं। अब जी
हम चाह रहे हैं इसको ड्रा करके भी चेक करें वीडियो स्क्राइब के अंदर। ये जो हमने अब नया एक डूडल बनाया और कलर किया है, एक न्यू डूडल ही बन गया है। अब हम इसे करेंगे सेव, सेव एज, इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं, वहाँ से पिक करवाएंगे। यही हम कर लेते हैं अवार्ड रिवार्ड ये वाला, इसको सेव कर लेते हैं। इस इधर से ध्यान रखना है ये SVG के अंदर ही सेव जाए हमारा, और किसी फॉर्मेट के अंदर ना SVG और ना ही SVG कंप्रेस्ड हो। सेव। अब ये सेटिंग है ध्यान से देखने वाली, यहाँ पे आपकी ये सेटिंग होनी चाहिए, इम्बेड आपका लिंक होगा लेकिन आपने इम्बेड सेलेक्ट करना है। इधर आपका होगा ये वाला स्टाइल एट्रीब्यूट्स या स्टाइल एलिमेंट्स होगा, आपने प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। ये वाला ऑप्शन आपका इस तरह होता है अक्सर, आपने यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक लगाना, ये आ जाएगा। यहाँ से प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है और आपने प्रेस कर देना है ओके, और ये हमारा डूडल हो गया सेव। अभी हम जा रहे हैं वीडियो स्क्राइब की तरफ, हम चेक करते हैं जो हमने अभी अभी डूडल बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला अवार्ड वाला है ओपन किया हमने, ये आ गया। अभी हम इसे ड्रॉ करके चेक करते हैं, ये देखें ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, अभी छोटी सी हमसे गलती हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। ये देखें, ये जो शुरू के अंदर आ रहा है ना, ये जो चीज़ आई, ये चीज़ इसके अंदर जो स्ट्रोक्स हैं वो मैं ऑफ़ करना भूल गया था, लेकिन जो स्ट्रोक्स ऑफ़ करना मैं भूल गया था उसकी वजह से ये चीज़ आ गई है। जब हम स्ट्रोक्स ऑफ़ करेंगे ना तब ये चीज़ नहीं आएगी। इधर हमने स्ट्रोक ऑफ़ कर दिए थे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आई। तो ध्यान से आपने स्ट्रोक को ऑफ़ कर देना है, सॉरी ज़ीरो कर देना है, वन होगा वहाँ पे। जब जैसे आप उसे ज़ीरो करेंगे ये चीज़ नहीं आएगी कलरिंग के दरमियान। और ये देखें बाकी ये सारे का सारा कर रहा है और ये कलर हो रहा है, ये देखें किस तरह बड़े आराम से आप कलर कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल वॉइस ओवर, बहुत ही अहम टॉपिक है ये, सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्क्राइब के अंदर हम यूज़ नहीं करते, और भी बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं जो जहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगली जो नेक्स्ट वीडियो हमारी एक आधा दिन में आएगी वो आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि लाजमी नहीं कि हम इसी के अंदर जो है वो यूज़ करें ये अपना वॉइस ओवर। मैंने आपको तरीके बताने हैं, वॉइस ओवर हमने बनाने ऑनलाइन है प्रोफेशनल, लेकिन वो इस तरह लगेंगे कि जैसे किसी इंसान ने वो आपको वॉइस ओवर करके दिया है, कंप्यूटराइज नहीं होंगे, होंगे कंप्यूटराइज लेकिन लगेंगे नहीं। तो वो वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी प्रोफेशनल वॉइस ओवर के साथ। वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह वाइट बोर्ड एनिमेशन का कोर्स चल रहा है, फ्री में कर सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल आ रहा तो आप मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मैं जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आएगा मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। तो वॉइस ओवर के लिए कुछ टूल्स हैं तो हमने देखने हैं कल अपनी अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।